यहाँ पे कुछ लोकल लोग आए और उन्होंने कहा कि आप कश्मीर से हो क्या? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। लाल मस्जिद बाबर और मुगल काल से जुड़ी हुई है, तो जब हमारे देश के अंदर इतनी मुगल हिस्ट्री पर इतनी खोजबीन हुई है तो इस मस्जिद को क्यों छोड़ रखा है। सो ये है तिजारा की फेमस लाल मस्जिद जो कि मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हो ये बहुत ही पुरानी जर्जर हो चुकी है। तो इस लाल मस्जिद का निर्माण बाबर के बेटे हिंदाल ने करवाया था और ये चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि इसका निर्माण बाबर के बेटे हिंदाल ने करवाया था। और दोस्तों, हिंदाल का असली नाम जो था वो अबू नासिर मोहम्मद था। हिंदाल वर्ड जो है वो अरेबिक नेम है और हिंदाल का मतलब होता है टेकर ऑफ इंडिया, या कहें इंडिया का ख्याल रखने वाला। तो बेशक उसको ये नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि वही आगे तैमूर डायनेस्टी को संभालने वाला था, लेकिन 32 साल की उम्र में हिंदाल की डेथ हो गई थी किसी युद्ध के कारण। मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर के साइड, इसके तीन गुंबद में से एक गुंबद कंप्लीट नहीं है और उसका कारण है जब यहाँ पे अफगान रूलर शायद अटैक कर दिया था तो उस कारण से इस मस्जिद का निर्माण पूरा नहीं हो पाया था। सो आप पीछे का व्यू देख पा रहे होगे, एक गुंबद आपको नहीं दिख रही होगी, तीन गुंबद में से एक गुंबद बन ही नहीं पाई क्योंकि जब मुगल शासक इसको बनवा रहे थे तो दूसरे किसी बादशाह जो कि अफगानिस्तान से आए थे उन्होंने हमला कर दिया था, तो इस वजह से मस्जिद पूरी नहीं हो पाई थी। जो गुंबद ऊपर की रह चुकी है वो अभी तक कम्प्लीट भी नहीं हुई इस वजह से। ये कुआ है मस्जिद के सामने और इसको उसी टाइम बनाया होगा खासकर पीने के पानी के लिए और वजू के लिए। और दोस्तों, पत्थरों से बनी ये दीवार वजू घर था जहाँ पे लोग नमाज जब पढ़ने आते थे तो वजू यहीं से करके जाते थे। यहाँ पे एक पानी का तालाब होता था और वो सामने आप देख पा रहे होंगे कुआं भी है, तो हो सकता है पानी वहाँ से लिया जाता हो। और यार, इसमें आप पीछे देख रहे होंगे मेरे, इसमें बहुत ही छोटा सा ऊपर जाने का रास्ता है और पता नहीं मैंने पहले के किलों में और इस तरह की पुरानी बिल्डिंग्स में देखा है कि ज़्यादातर जो रास्ता होता है बहुत सिकड़ा महीन छोटा होता है, पता नहीं इसका कारण क्या रहा होगा। हमारी जो पुरानी हवेलियां हैं उनमें भी रास्ता बहुत छोटा होता है, उसका कारण नहीं पता, पर मैं फ़िलहाल अभी ऊपर चढ़ के देखता हूँ किस तरह का यहाँ पे लगता है। आप देख रहे होंगे ऊंची चढ़ाई होती है वैसे तो, लेकिन इसमें ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं नहीं, इससे ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं है। यहाँ पे एक टाइम पे एक सिंगल बंदा ही आ सकता है और कोई मोटा होगा तो फंस भी जाएगा। तो जो मुगल और अफगानी और उसके साथ साथ जो मुसलमान जितने भी रूलर थे तो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है मस्जिदों में, मीनारों में और जो भी उन्होंने पुरानी बिल्डिंग्स बनाई है। कोई भी बिल्डिंग बनाता है तो ऊपर जो मीनार या गुंबद देता है तो बिल्डिंग को देख कर ही पहचान सकते हो कि ये गुम्बद। ऊपर देख सकते हो आप, दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये देखिए इस तरह के गुम्बद। तो यार तिजारा फोर्ट भी सामने दिख रहा हो तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ जूम करके। ये सामने जो है तिजारा फोर्ट है, हो सकता है मैं कुछ दिनों बाद यहाँ पे भी घूमने आऊँ। जो ये वाली सीढ़ियाँ थी इसके ही सामने और सीढ़ियाँ भी हैं उसके अंदर और हम जाते हैं तो व्यू तो सेम आने वाला है, लेकिन फिर भी हम इसको तो देखेंगे जब यहाँ तक आए हैं। तो ये आप देख सकते हो गुंबद, काफी अच्छा मौसम हो रहा है। हमें काफी टाइम हो चुका है यहाँ पे आते हुए, अभी तो मैं लेक्चर करके पीछे का व्यू और दिखाना चाहूंगा और थोड़ा वाइड रेंज के लिए मैं उस साइड आऊंगा।
वगैरह की जाती थी, लेकिन अभी तो ये फ़िलहाल गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है कुछ कारणों की वजह से। शायद इस बिल्डिंग पर हिंदू और मुसलमान का कुछ डिस्प्यूट है, और अंदर का मैं आपको व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऊपर भी शायद मैं आपको दिखा दूँ उस गुंबद को, और देखने में आ रही और सामने अरेबिक भाषा में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बिल्डिंग की खस्ता हालत की वजह से हम नहीं समझ पाएंगे लिखा क्या हुआ है। लाल मस्जिद के साथ साथ चारों तरफ बहुत अच्छी पार्क लगाई हुई है, आप देख सकते हो ग्रीनरी, इसको काफ़ी अच्छे सही तरीके से मेंटेन तो कर रखा है, लेकिन मस्जिद की जो हालत हो चुकी है उसको कोई देख नहीं पा रहा है। और शायद यहाँ के लोकल लोग बता रहे थे, यहाँ पे अभी केस हुआ पड़ा है इस मस्जिद के ऊपर, तो यहाँ पे शायद डिस्प्यूट है कि वर्शिप को लेके, कि यहाँ पे मुसलमान जुम्मे के दिन यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। उनको अभी फ़िलहाल यहाँ पे स्टे लगाई हुई है उस चीज़ के लिए, पर सुनने में आया था बहुत टाइम पहले यहाँ पे मुसलमान जुम्मे की नमाज़ अदा करते थे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा, और यहाँ पे बिल्कुल बैन है इन चीज़ों का कि यहाँ पे कोई भी के लिए जुम्मे की नमाज़ के लिए यहाँ पे मुसलमान आ सकता है। यहाँ पे शूटिंग कर रहा था थोड़ी बहुत अपने लिए, तो यहाँ पे कुछ लोकल लोग आए और उन्होंने कहा कि आप कश्मीर से हो क्या? मैंने कहा नहीं भाई, मैं कश्मीर से नहीं हूँ, मैं भिवाड़ी का ही रहने वाला हूँ। तो कह रहे हैं भाई दाढ़ी से और रंग रूप से ऐसा लग रहा है कि आप कश्मीरी हो। फिर मैंने उनको मेवाती में बोल के दिखाया, मैंने कहा भाई मैं यहाँ ही खाऊँ। और ये जो व्यू आप देख रहे हो, ये फ्रंट साइड का व्यू है, और चारों तरफ इसके पार्क है, और इसके पीछे से मैं आपको दिखाऊं तो ये पीछे का व्यू है। दोस्तों ये आप पीछे के साइड देख रहे होंगे, रूम की तरह आपको लग रहे हैं, ये रूम ही है, इसमें फ़िलहाल तो अभी सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। सो दोस्तों इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड, और प्लीज़ मुझे बताइए आपकी मेरा व्लॉग कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये अपने दोस्त है भाई, ये वीडियो भी देख रहे होंगे, तो हाय हेलो ये वीडियो में कर रहे थे, तो अब बताना आप लोग भी बताना कैसी वीडियो थी मेरी।